देखिए पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमारा जो अध्ययन बिंदु था वो था क्रिया। क्रिया पे हमने थोड़ी सी चर्चा की थी कि क्रिया है वो कहाँ से आई और हमारी हिंदी भाषा में उसका किस प्रकार से आगमन हुआ है, इसके बारे में हमने चर्चा की। इसके बाद में हमने ये जाना था कि क्रिया को कितने भागों में विभक्त किया गया है, तो उसके कुछ आधार हैं। तो उसमें जो सबसे पहला जो आधार था वो था अपना कर्म के आधार। तो कर्म के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा गया। कर्म के आधार पर क्रिया को दो भागों में विभक्त किया गया, जिसमें से पहला आधार था कर्म क्रिया और दूसरा जो आधार था वो था सकर्म क्रिया। इसमें से हमने ये जाना था कि अकर्म का अर्थ होता है सहज युक्त पद है और कर्म इसमें मूल शब्द है। तो यानी होता है नहीं, नकारात्मक का अर्थ होता है तो जिसमें कर्म नहीं हो, अर्थात अकर्म क्रिया की परिभाषा ये होगी कि जहां पर क्या प्रयुक्त नहीं हो, कर्म प्रयुक्त नहीं हो, यानी क्रिया के साथ में कर्म प्रयुक्त नहीं हो वहां पर वाक्य में अकर्मक क्रिया होगी। और सकर्मक से अर्थ होगा कि स यानी होता है सही और कर्म यानी कर्म, जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त हो वहां पर सकर्मक क्रिया होगी। ये हमने जाना है। तो आइए सबसे पहले हम अकर्मक के बारे में अध्ययन करें। तो अकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या होगी? कि जहां पर वाक्य में क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त न पहले बात कि वाक्य में क्या होगा, क्रिया के साथ में कर्म नहीं होगा। दूसरी बात क्रिया का प्रभाव या व्यापार या फल कह सकते हैं, क्रिया का प्रभाव किस पर होगा, कर्ता पर होगा। क्या होगा कर्म क्रिया में कि जहां पर वाक्य में क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं हो और क्रिया का प्रभाव कर्ता पर हो तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे अकर्म क्रिया कहेंगे। कर्म क्रिया कहते हैं। जैसे बालक रोता है, बालक रोता है, कुत्ता भौंकता है, सोती है, राम हंसता है। देखिए कि जहां पर वाक्य में क्या हो, क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं हो और क्रिया का जो फल है या प्रभाव है वो किस पे हो, कर्ता पर पड़ता हो सीधा, वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। तो प्रस्तुत जो वाक्य है, देखिए बालक रोता है, कुत्ता भौंकता है, सीता सोती है और राम हंसता है। निम्न वाक्यों में हम ये देख रहे हैं कि इनमें हमने ये बताया था कि पहले जब पूर्व में बात की थी कि हमारा जो वाक्य होता है उस वाक्य की संरचना होती है कर्ता प्लस
प्लस क्रिया, ये हमारे वाक्य की हिंदी वाक्य की संरचना होती है। तो अगर इस संरचना के अनुसार, वाक्य संरचना का जो स्ट्रक्चर है उसके अनुसार अगर हम देखें तो प्रस्तुत जो वाक्य है उन वाक्यों में कर्ता है और क्रिया है, अर्थात इनमें कारण कहीं भी नजर नहीं आ रहा। प्रत्येक वाक्य पे जब हम नजर डालेंगे तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि कर्ता है, क्रिया है, कर्ता है, क्रिया है, कर्ता है, क्रिया है, लेकिन कर्म कहीं पर मौजूद नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रस्तुत जो वाक्य है, निम्न जो वाक्य है, इन वाक्यों में क्रिया किस प्रकार की है, अर्थात क्रिया अकर्मक है, क्योंकि जब क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्ति नहीं है तो सभी प्रकार के दिए हुए वाक्य अकर्मक क्रिया वाले वाक्य होंगे। दूसरी बात, आपने क्या ये देखा होगा कि आपको कई पुस्तकों में ये लिखा हुआ मिलता है कि अगर हम क्रिया से पूर्व अगर क्या लगा करके देखें तो अगर हमें उत्तर में कुछ प्राप्त होता है तो इसका मतलब क्या है, क्रिया सकर्मक है, और उत्तर में अगर कुछ प्राप्त नहीं होता है इसका अर्थ ये हुआ कि क्रिया अकर्मक है। अगर उस तरीके से भी ज्ञात किया जाए कि जैसे क्या रोता है, इसका अर्थ यह हुआ कि कुछ उत्तर नहीं आ रहा, क्या रोता है इसका मतलब कोई उत्तर नहीं आ रहा है। क्या भूखता है, क्या सोती है और क्या हंसता है, तो उस तरीके से भी निम्न जो क्रियाएं हैं उनके पूर्व में हम क्या प्रश्न सूचक शब्द लगा करके देखते हैं तो भी हमें उत्तर में कुछ प्राप्त नहीं होता, अर्थात कर्म की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए निम्न जो क्रियाएं हैं वाक्यों में वो सभी क्रियाएं किस प्रकार की क्रियाएं हैं, अकर्मक क्रियाएं हैं। दूसरी बात कि आपकी जो परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न आपसे किए जा सकते हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें। आपका जो प्रश्न पत्र होता है उस प्रश्न पत्र में या तो कोई वाक्य दे दिया जाएगा कि जैसे बालक रोता है और कुत्ता भूखता है, निम्न जो वाक्य है वो किस प्रकार की क्रिया के उदाहरण है, क्रिया का नाम लिखते हुए क्रिया को परिभाषित कीजिए, या तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है या फिर इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, सह उदाहरण समझाइए या उदाहरण सहित समझाइए। तो ये वाली बात भी आपके प्रश्न पत्र में आने वाले प्रश्नों से संबंधित। तो हमें ध्यान ये रखना है कि जब भी कभी हमारे सामने कोई वाक्य दिया हुआ हो और उस वाक्य में क्या हो, कर्म नहीं हो, इसका मतलब क्या हुआ कि वाक्य की क्रिया किस प्रकार की है, क्रिया अकर्मक है। दूसरी बात हम करें कि जैसे आपने देखा होगा कि एक उदाहरण में ले लूं आपके समक्ष कि जैसे ये तो आपने देखा कि बालक रोता है, कुत्ता भूखता है, सीता सोती है और राम हंसता है, निम्न जो क्रियाएं हैं वो सभी अकर्मक क्रियाएं हैं। लेकिन एक इस प्रकार का वाक्य मैं आपके समक्ष रखता हूं जिसने थोड़ी कंफ्यूजन वाली स्थिति होती है और हम कंफ्यूजन होकर क्या करते हैं, उसमें क्रिया का जो रूप है वो बदल देते हैं, अर्थात अकर्मक की जगह सकर्मक रख देते हैं। तो आइए देखें, जैसे उदाहरण है, पेड़ से पत्ता गिरता, पेड़ से पत्ता गिरता है। देखिए अगर हम देखें वाक्य संरचना की दृष्टि से तो यहां पे देखिए हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि इसमें कर्ता कौन सा है और कर्म कौन सा है, और अगर हम सीधे दृष्टिकोण से देखें तो कैसे कहेंगे कि क्या गिरता है और हमारा उत्तर आ रहा है कि पत्ता गिरता है, और ऐसा देख करके हम क्या कर देंगे इसमें बिना कुछ किए सकर्मक क्रिया कर देंगे, जबकि यहां पर क्रिया किस प्रकार की है, अकर्मक है। देखिए कैसे प्रस्तुत जो उदाहरण है वो है पेड़ से पत्ता गिरता है। तो आपने देखा होगा कि
वाक्य में जो कार्य करने वाला होता है वो कर्ता होता है, अर्थात कर्ता किसे कहते हैं, जिसके द्वारा वाक्य में कोई क्रिया की जाती है, अर्थात काम करने वाला कर्ता होता है। तो प्रस्तुत जो वाक्य है उस वाक्य में यहाँ पर जो पत्ता है वो गिरने का कार्य कर रहा है, नहीं कि पेड़, यानी पत्ते के द्वारा गिरने का कार्य किया जा रहा है, गिरने का कार्य किया जा रहा है, नहीं कि पेड़ के द्वारा। इसलिए पहले कर्ता उसके बाद क्रिया है, अर्थात कर्म यहाँ पर क्या नहीं है, प्रयुक्त नहीं हुआ है। इसलिए ये क्रिया यहाँ पर किस प्रकार की हुई, अकर्मक क्रिया हुई। तो आप सभी को ये ध्यान रखना है कि वाक्य में जो भी कर्ता प्रयुक्त हुआ है, जो भी क्रिया प्रयुक्त हुई है या अन्य कोई शब्द प्रयुक्त किए हैं, तो उनके द्वारा जो कार्य है वो कैसे किए जा रहा है, तो उसका ध्यान रखते हुए हमें क्रिया का निर्धारण करना है। यहाँ पर हम पेड़ को पत्ता नहीं मान सकते, क्योंकि तो गिरने का कार्य पत्ते के द्वारा किया जा रहा है, नहीं कि पेड़ के द्वारा। इसलिए प्रस्तुत जो क्रिया है गिरना क्रिया अकर्मक क्रिया हुई। तो ये बात आपको वाक्य को ध्यान में रखकर के भी आप इसका निर्धारण कर सकते हैं। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि अकर्मक क्रिया किसे कहेंगे और अकर्मक क्रिया की जो उदाहरण है उनको समझ करके तुरंत हम ये कैसे निर्धारण कर पाएंगे कि प्रस्तुत वाक्य में अकर्मक क्रिया है। आइए आगे चले। दूसरा जो भेद होता है कर्म के आधार
वो होता है सकर्मक क्रिया। देखिए पूर्व में थोड़ी सी चर्चा हमने की कि सह यानी सहित, सह जो उपसर्ग है उसका अर्थ होता है सहित, और कर्म यानी कर्म अर्थात क्या हो वाक्य में, क्या हो क्रिया के साथ में, क्या प्रयुक्त हो कर्म हो अर्थात क्रिया के साथ में जहां पर कर्म हो वाक्य में, क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त हो। क्रिया का फल या प्रभाव कर्म पर पड़ता हो। उसे सकर्मक क्रिया कहेंगे। देखिए परिभाषा क्या होगी कि आप अगर देखेंगे कि हिंदी व्याकरण में जितने भी जो अध्ययन बिंदु है उन बिंदुओं को अगर हम ठीक ढंग से जब शब्द को पढ़ेंगे तो उसकी शब्द भी उसकी उसका अर्थ निहित रहता है, जैसे सहकर्म अर्थात कर्म सहित। तो यहाँ पर परिभाषा हुई कि वाक्य में क्रिया के साथ जब कर्म प्रयुक्त हो तथा क्रिया का फल या प्रभाव कर्म पर पड़ता हो तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो आइए देखें, जैसे मोहन दूध पीता है, मोहन दूध पीता है, दीपा पुस्तक पढ़ती है, लेकिन मोहन दूध पीता है, गीता पुस्तक पढ़ती है। निम्न जो वाक्य हैं इन वाक्यों में आप देख रहे होंगे कि प्रस्तुत जो पहला वाक्य है उसमें पीना क्या है क्रिया है, मोहन क्या है कर्ता है, और दूध क्या है कर्म है। अर्थात दूध को पीने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, मोहन के द्वारा, अर्थात कर्ता है कर्म है और क्रिया है। उसका ये हुआ कि निम्न जो वाक्य है वो सकर्मक क्रिया से युक्त है। दूसरी वाला जो वाक्य है कि गीता पुस्तक पढ़ती है, तो प्रस्तुत वाक्य में कर्ता है कर्म है और क्रिया है, अर्थात पढ़ना जो क्रिया है वो किसके द्वारा की जा रही है, गीता के द्वारा। अर्थात क्या पढ़ने का कार्य किया जा रहा है, पुस्तक पढ़ने का कार्य किया जा रहा है, अर्थात क्रिया का प्रभाव दोनों वाक्यों में किसके ऊपर पड़ रहा है, यानी क्या किया जा रहा है दूध, क्या पीता है दूध, और क्या पढ़ती है पुस्तक। तो दोनों तरीकों से हम इसका इस इन वाक्यों में क्रिया का पता लगा पा रहे हैं कि क्या पीता है अर्थात दूध पीता है हमारा कर्म उत्तर आ रहा है, और क्या पढ़ती है अर्थात पुस्तक पढ़ती है। और दूसरा जो हमारा चेक करने का तरीका है उससे हम देखें कि कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया होनी चाहिए। अब देखो कि ये तो हमें पता चल गया कि मोहन दूध पीता है और गीता पुस्तक पढ़ती है, यानी पीना और पढ़ना दोनों का जो प्रभाव है वो किसके ऊपर हो रहा है, कर्म के ऊपर। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि निम्न जो वाक्य है इन वाक्यों में प्रयुक्त जो क्रिया है वो कौन सी है, सकर्मक, अर्थात जो क्रिया है वो कर्म के साथ में प्रयुक्त हुई है। इसके बाद में आगे की जो बात है वो देखिए आप कि सकर्मक क्रिया के कितने भेद किए गए। तो सकर्मक क्रिया के हम दो भेद करते हैं, कितने भेद करेंगे, दो भेद करेंगे। सकर्मक क्रिया के दो भेद किए जाएंगे, तो कौन कौन से हैं वे भेद, आइए देखें।
दो भेद होते हैं। पहला जो भेद होता है वो होता है एक कर्मक क्रिया, और दूसरा जो भेद होता है वो होता है द्विकर्मक क्रिया। यानी देखिए, एक कर्म क्रिया क्या होती है? तो वाक्य में जहां पर एक ही कर्म प्रयुक्त हो उसे एक कर्म क्रिया कहते हैं, एक कर्म सकर्म क्रिया कहते हैं। देखिए, देखो एक कर्म अर्थात परिभाषा से स्पष्ट हो गया कि वाक्य में जहां पर एक ही कर्म प्रयुक्त हो उसे एक कर्म क्रिया कहते हैं, अर्थात क्रिया के साथ में केवल एक ही कर्म आए तो एक कर्म क्रिया कह जाएगी। जैसे देखिए, सोहन गाय चराता है, तो चराना जो क्रिया है उसके साथ में गाय शब्द उसका कर्म है और सोहन करता है, अर्थात चराने जो क्रिया है गाय उसका कर्म है और सोहन करता है, अर्थात क्रिया का एक ही कर्म प्रयुक्त हो रहा है। तो इस प्रकार के जो वाक्य हमारे समक्ष आएंगे अर्थात क्रिया के साथ में एक ही कर्म प्रयुक्त होगा, ये सारे के सारे उदाहरण किसके अंतर्गत रखे रहेंगे? एक कर्म सकर्मक क्रिया के अंतर्गत रखे जाएंगे। दूसरा जो भेद होता है वो होता है द्विकर्मक क्रिया, शब्द से ही परिभाषा स्पष्ट हो रही है कि द्विकर्मक अर्थात दो कर्म होंगे, अर्थात वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त होंगे, दो कर्म आए या युक्त हो उसे द्विकर्म क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, द्विकर्म क्रिया किसे कहेंगे कि जब क्या होगा वाक्य में जहां पर क्रिया के साथ में दो कर्म प्रयुक्त होंगे, अर्थात दो कर्म प्रयुक्त होंगे वहां पर द्विकर्म क्रिया होगी। देखिए उदाहरण नंबर एक, अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाते हैं, तो
तो यहाँ पर जो वाक्य है उस वाक्य में अध्यापक क्या है, करता है, और पढ़ाना क्या है, क्रिया है। लेकिन हम जब वाक्य के अंतर्गत नजर डालेंगे तो यहाँ पर हमें दो कर्म नजर आएंगे। पहला कर्म कौन सा है कि अध्यापक क्या कार्य कर रहे हैं, हिंदी पढ़ाने का। किसे पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, तो छात्रों को। तो यहाँ पर देखिए दो कर्म प्रयुक्त हुए हैं। कौन, कितने कर्म प्रयुक्त हुए, दो कर्म। दूसरा वाला जो उदाहरण है उसमें आप देखेंगे तो माँ बालकों को खाना परोसती है, तो यहाँ पर परोसना क्या है, क्रिया है, खाना क्या है, कर्म है, और बालकों क्या है, कर्म है, और माँ क्या है, कर्ता है। तो निम्न जो दोनों वाक्य हैं उन दोनों वाक्यों में क्रिया के साथ में उसके दो कर्म प्रयुक्त हुए हैं। तो इससे आपके सामने स्पष्ट है कि अकर्मक क्रिया जो है वो उसके उदाहरण किस प्रकार के होंगे, उसकी परिभाषा क्या होगी, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और सकर्मक क्रिया के कितने प्रकार होते हैं और उन प्रकारों की क्या क्या परिभाषा होती है, किस प्रकार के उदाहरण उनके अंतर्गत पूछे जाते हैं, ये सारी बातें आपके सामने स्पष्ट हो चुकी होंगी। इसलिए हम देखेंगे कि जब अगर आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा तो किस प्रकार का प्रश्न सकर्मक क्रिया से पूछा जा सकता है। तो ठीक पहले जैसे मैंने बताया कि कैसे आपको या तो सीधा सीधा ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और उसके कितने भेद होते हैं, या ठीक ऐसे प्रश्न कर लिया जाए कि उदाहरण दे दिया जाए कोई एक और आपसे पूछ लिया जाए कि दिए गए उदाहरण में किस प्रकार की क्रिया है, उसी से उदाहरण स्पष्ट कीजिए। इसलिए आपको सारी की सारी जो चीजें हैं वो ठीक वैसे ही आनी चाहिए जैसे हमने बताई है, अर्थात प्रश्न पत्र में आए हुए प्रश्नों का उत्तर आपको ठीक उसी ढंग से लिखना है जिस प्रकार से प्रश्न पत्र में आपसे प्रश्न पूछा जाए, उसका उत्तर उसी की भाषा में लिखना है। अर्थात अगर सकर्मक क्रिया के उदाहरण देकर के पूछता है तो आपको पहले क्रिया का नाम स्पष्ट करना होगा, उसके बाद में उसके उदाहरण सहित उसकी परिभाषा लिखनी होगी। और अगर आपको सीधा ही पूछ लेता है कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, ऐसा उदाहरण सही समझाइए, तो आपको परिभाषा लेकर के उदाहरण सहित समझाना है। तो ये कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हुए। आगे की बात करें तो देखिए अगली जो बात थी, पहली जो बात थी हमारी वो थी कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। दूसरी जो बात हम करने वाले हैं वो है प्रयोग एवं संरचना के आधार, और तीसरी जो बात करेंगे हम वो है काल के आधार। तो आइए नजर डालते हैं दूसरे वाले प्रकार पर, प्रयोग एवं संरचना के आधार पर क्रिया को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। पहले हम ये समझने का प्रयत्न करेंगे कि प्रयोग एवं संरचना क्या होती है। देखिए प्रयोग एवं संरचना से हम ये अर्थ लेते हैं कि वाक्य में जो क्रिया है उसका प्रयोग कहाँ किया जा रहा है और उसका प्रयोग करने का आधार क्या है, इस आधार पर क्रिया के भेद किए गए। तो पहला जो भेद होता है वो होता है सामान्य क्रिया।
पहला जो भेद होता है वो होता है सामान्य क्रिया। अर्थात सामान्य क्रिया से क्या अर्थ लिया जाएगा कि क्या होगा कि जहां पर वाक्य में एक ही क्रिया प्रयुक्त हो, एक ही क्रिया आए, जहां पर वाक्य में एक ही क्रिया प्रयुक्त हो उसे सामान्य क्रिया कहेंगे। जैसे वाक्य लिखो कि बालक खेलता है। देखिए अध्यापक पढ़ाते हैं, तो निम्न जो दोनों वाक्य हैं उन वाक्यों में एक ही क्रिया प्रयुक्त हो रही है जैसे खेलना और पढ़ाना। तो वाक्य में जब ऐसे उदाहरण हमारे सामने होंगे या जब भी हमारे सामने ऐसे प्रकार के उदाहरण आएंगे तो वे सारी की सारी जो क्रियाएं हैं वो कैसी क्रियाएं होंगी, सामान्य क्रियाएं होंगी। अर्थात प्रयोग एवं संरचना के आधार पर जो पहला भेद होता है वो होता है सामान्य क्रिया। अर्थात जब वाक्य में एक क्रिया हो तो वो क्या कहलाती है, सामान्य क्रिया कहलाती है। देखिए समय अल्प अवधि होने के कारण से हमारा जो ये टॉपिक है वो आज के समय में पूर्ण नहीं हो पाएगा, इसलिए हम आगे की जो चर्चा है वो अगले वाले कालांश में करेंगे। तो यहाँ तक का जितना भी आप लोगों ने अब तक पढ़ा है उसको ध्यान में रखेंगे, उसका रिवीजन करेंगे और उसको कंठस्थ करेंगे ताकि परीक्षा में हम वैसे ही वैसे उत्तर दे सके जैसा परीक्षा कब से प्रश्न करता है और पूरे में से पूरे अंक हम अर्जित कर सकें।